Hi guys, good morning and welcome to yet another day. तो अभी मैं जा रहा हूँ HMI Hand Zoo. यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. पद्मजा नायडू इज़ द डॉटर ऑफ द फ्रीडम फाइटर पोएट सरोजिनी नायडू, हु वाज द गवर्नर ऑफ दार्जिलिंग, और उन्हीं के ऑनर में ये जू का नाम रखा गया है. अभी दोबारा चढ़ना शुरू किया, फिर से पैर में थोड़ी दर्द हो रही है. मैं धीरे धीरे चलूँगा, ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं. सांस फूलना शुरू. यहाँ पे हर क्लाइंब बहुत स्टीप होता है, वैसे आपको कहीं नहीं मिलता है. आ चुके हैं जू के अंदर. ये है मैप ऑफ द जू. यहाँ पे कैंटीन वगैरह है खाने वाने को. दिस इज़ द मेन जंक्शन. यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो. HMI आगे पड़ेगा तो हम यहाँ से होके आते हैं. पहले वहाँ पे रेड पांडा मिलेगा राइट साइड, फेजेंट्स, लेसर कार्निवोर्स, पहले वो करते हैं. तो हम वापस यहाँ पे आ चुके हैं. द एनिमल्स इन दिस एनक्लोजर आर इन हाइबरनेशन, सो यू आर नॉट एबल टू सी देम. यहाँ पे हिमालयन सेलेमेंडर है जो कि हाइबरनेशन में है, और ये बीच में गार्डन जैसा है. हम ऊपर गए थे, अभी नीचे आ चुके हैं. फिल्म शो था, माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर फिल्म शो. मूवी क्लोज्ड फॉर टुडे. कहाँ ट्रैक करके जा रहे हो ऊपर? म्यूजियम. म्यूजियम में तो कैमरा अलाउड नहीं होगा. 11:20 हो चुका है. मुझे 1-2 बजे तक पहुंचना है कालिम्पोंग.
कैंपिंग साइट। ये म्यूजियम है, मोस्टली कैमरा अलाउड नहीं होगा जैसे कि जू के म्यूजियम अलाउड नहीं था, लेकिन म्यूजियम में जो स्पेसिमेंट्स रखी गई हैं सारी रियल स्पेसिमेंट्स हैं। आपको आके एक बार देखना चाहिए। ऐसे ऐसे जानवर जो मैंने सुना था पहले, कभी देखा नहीं था, वो मुझे वहाँ पे देखने को मिली। आप भी आइए देखिए। सो कैमरा अलाउड नहीं है लिखा है बाहर। दिस इज तेंजिंग नोर्गे, हु क्लेम्ड माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953 विद एडमंड हिलेरी। और ये है समाधि, एक फोटोशूट पॉइंट भी है। यहाँ पे आपको कुछ सोवनियर्स मिल जाएंगी लेने को इफ यू वांट। मुझे हुडी बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो, सो द ओवरऑल एक्सपीरियंस एट द जू एंड HMI वॉज प्रीटी गुड। अगर आप दार्जिलिंग हो देन यू शुड कम हियर। अभी दार्जिलिंग ट्रिप को रैपअप करते हैं। दार्जिलिंग मतलब प्रॉपर दार्जिलिंग। अभी हम निकलेंगे कालिम्पोंग, आर रिटर्न जर्नी विल स्टार्ट टुमारो। आज चलते हैं कालिम्पोंग में, वहाँ पे हमारा कैंपिंग का प्लान है। सो बाइक इज रेडी, बैग बन चुका है। टाइम टू से गुड बाई टू दार्जिलिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। मैं अपने होटल से निकला था 1:05 में, अभी हो चुका है 1:35। आधा घंटा और मैं पहुंचा हूँ सिंगमारी टैक्सी स्टैंड में। भयंकर जाम है आज, क्यों पता नहीं लेकिन भयंकर भीड़ है। आई थिंक दिस इज द रीज़न। मुझे वहाँ पहुंचने के लिए 2 घंटे दिखा रहा था, 40 किलोमीटर डिफरेंस डिस्टेंस है लेकिन 2 घंटे दिखा रहा था। ये भाई साहब गाड़ियाँ बैठे बैठे मुझे सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू। फाइनली बहुत कष्ट करके 1:46 PM दार्जिलिंग स्टेशन में पहुँचा हूँ। तो हम अभी बतासिया लूप पहुंचने वाले हैं और टाइम हो रहा है 2:03। यहाँ पे लिखा हुआ था वेलकम टू पेन ऑफिस दार्जिलिंग, थैंक यू विजिट अगेन, अभी बता रहा है थैंक यू। हाँ विजिट अगेन तो करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह मैंने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। एंजॉय द ब्यूटी ऑफ बतासिया लूप एट लो स्पीड, ये ट्रेन के लिए लिखा है क्यों, तो ट्रेन पूरा लूप घूम घूम के जाएगी ऊपर, हम तो सीधे ही चले जाएंगे ना बाहर से, ट्रेन गोज इनसाइड। इसी वजह से इसको बतासिया लूप कहते हैं। ये एंट्रेंस है, यहाँ से रोड से अगर आप आओगे तो ये है घूम मोनेस्ट्री। कल आए थे हम और ये हम आ गए घूम स्टेशन। मैं इस तरफ से तो आया था लेकिन मेरिक तो नहीं जाना, आई थिंक आई हैव टू गो स्ट्रेट, बस कंफर्म करना है। सो यस मैप वेरीफाइड, सीधा जाना है। ये रास्ता अभी नया है मेरे लिए, अभी उतरना ही पड़ेगा आई थिंक, डिसेंड होगा। आगे से एक राइट के लिए रास्ता निकल जाएगा जो करशोंग जाएगा, लेकिन मुझे नहीं जाना, सीधा जाऊँगा वह लम्हा हटा होके कालिम्पोंग। यस लामाहट्टा। हम लामाहट्टा आ चुके, वाह आ गया वही स्लोप आ गया। ऐसे स्लोप क्यों देते हो भाई, हैं आराम से खिसका हो ना भाई। रोड बनाने वालों को याद आ गया कि अरे लोग तो आराम से खुशी से आ रहे हैं, थोड़ा थ्रिल देते हैं उनको, हेंस द स्लोप। Thank you.
अच्छा, टू व्हीलर पार्किंग इधर है एंड यू कैन गो टू, ओके, लामाहट्टा जाने का रास्ता ये है। ओके, सो दिस इज द लामाहट्टा गार्डन। ऊपर जाके गार्डन वगैरह घूम सकते हो। मैं अभी डेस्टिनेशन पहुंचना प्रेफर करूंगा ज़्यादा, 15 किलोमीटर है तीस्ता यहाँ से। अरे भाई क्या स्लोप है, क्यों देते हो ऐसा? आदमी अगर आराम से थोड़ा जा रहा है तुमको क्या दिक्कत है? ओम नमः शिवाय, शिव जी का मंदिर है ये, पता नहीं दुर्गा माता का मंदिर है। ओके, बड़ा मांगवा के लिए रास्ता किधर है? आगे जाके वो बाजार है ना, बाजार। हाँ अच्छा ठीक, तीस्ता नदी तो आपको दिख ही रही होगी, बहुत पानी है। सो तीस्ता बाजार तो आ गए, एक बड़ा मांगवा के लिए यहाँ से ऊपर उठना पड़ेगा कहीं और। बड़ा मांगवा के लिए रास्ता कौन सा है? इधर। ओके ठीक है, थैंक यू। सब मकई के क्रॉप्स हैं, पॉपकॉर्न। पूर्णिया में देखो पॉपकॉर्न कट चुके हैं, यहाँ पे पॉपकॉर्न अभी भी लगा हुआ है। दिस इज़ हाउ द वेदर डिफरेंसेस। क्या कैंपिंग करूँगा मैं, आज तो शाम हो गई। मैं वहाँ से उतरा ही क्यों था जब इतना चढ़ना ही था, और ये ज़्यादा कॉमन रूट है भी नहीं, बहुत कम लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। गजब भी जीती है। मुझे तीस्ता नदी किनारे कैंपिंग करना था, ये तो कहीं ऊपर ही आ रहा है। सूरज मन को लग रहा है आज यहीं पर ढल जाएगा मेरा,
मैं कैंपिंग साइट जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब जो सोचा था वैसे हुआ नहीं। बहुत सारी जगह मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, तबीयत भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। हेलो गाइस, सो आई थिंक अंधेरे में दिख रहा हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं अभी अपना कैंपिंग साइट में हूँ और मेरे सामने ये मेरे कैंप है, तो दिस इज़ माय कैंप। और मैं यहाँ 5 बजे पहुँच गया था एंड आपने तो देखा मैं कैसे आया था। फिर मैंने लंच किया, लंच के लिए मैंने उनको पहले ही बोल दिया था, सो लंच वॉज देयर। दिस इज़ अ कैंपिंग साइट, वाटरफॉल है वहाँ पे, नीचे एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है फॉर बॉनफायर एंड ऑल। बढ़िया है, मतलब आउट ऑफ सिटी, एक ऑफबीट लोकेशन, अच्छा लग रहा है। बस एक चीज़ मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि मैं ये सोच के आया था कि रिवर साइड कैंपिंग होगा तीस्ता के बगल में, बट ऐसा नहीं है। दिस इज़ 2024, 2023 में लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा क्लाउड बर्स्ट हुआ था सिक्किम में, जिसके वजह से तीस्ता बाढ़ आ गई, उसके वजह से इनका काफ़ी सारा प्रॉपर्टी जो है वो बह गया था नदी में। तो तब से गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं कर रही है टू कैंप एट रिवर साइड, लेकिन आई थिंक ये बोल रहे हैं कि सितंबर से दोबारा शुरू हो जाएगा, बट अभी तो नहीं है। अभी चलते हैं नीचे प्लेटफॉर्म पे। वाटरफॉल पता नहीं अंधेरे में तो दिखेगा नहीं, बट मैं दिन में आपको दोबारा अच्छे से व्यू एक दे दूंगा, ठीक है। और अभी मैंने ओनर से ही बात किया जिनका ये कंपनी है टूरबिक्स, ही इज़ रियली नाइस पर्सन एंड ही इज़ द ओनर ऑफ टूरबिक्स। यू आर टेकिंग द वीडियो? या आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑफ दिस प्लेस। थैंक यू, वेलकम फॉर विजिटिंग टूरबिक्स। थैंक यू। अभी और इतना दूर से आया? जी जी। कौन से चैनल नेम? माय चैनल नेम इज़ Turbofire007। हाँ हाँ, आप लोग को उड़ीसा को, इंडिया को दिखाने के लिए इतना खर्च करके, इतना एक्सपेंसिव गैजेट्स लेके जी आप लोग के लिए इतना दूर दूर आता है सोलो बाइक ड्राइव करके, बहुत अच्छा बंदा है। आप लोग इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं नीचे चल रहा हूँ वाटरफॉल के पास, जो मेन फॉल्स है। नीचे आपको दिख रहा होगा लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पे बॉनफायर तैयार हो रहा है नीचे। जब तक वो तैयार होता है हम नीचे से घूम के आते हैं। तो ओवरऑल स्टाफ वगैरह सब कोई अच्छे हैं, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पिंग। बस एक डिसअपॉइंटमेंट हो गया मुझे, पता नहीं गलती कहाँ हुई, मेरा समझने में गलती हो गई या फिर उनके समझाने में, जो उनके सेल्स हैं जो हैं, जो भी है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट आई एक्सपेक्टेड अ रिवर साइड कैंपिंग, बट ठीक है, हमेशा जो चाहते हैं वो मिलता तो है नहीं। वैसे भी ये ट्रिप तो मेरा एकदम अनसर्टेन चल रहा है, बट ठीक है, अच्छा है, ये भी एक एक्सपीरियंस है। होटल में तो हमेशा रहते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो नाइस एक्सपीरियंस। ये आप देख सकते हो, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसे बनाया गया है विद डेकोरेशन, आप बैठ के खाना वाना खा सकते हो, गाना वाना बजा के इंजॉय कर सकते हो। लेकिन जब मैं ऑफबीट लोकेशन में आता हूँ मैं गाना बजाना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो तो आप घर पे भी करते हो, यहाँ पे नेचर का साउंड एंजॉय करो। दिस इज़ द म्यूज़िक ऑफ द नेचर, झरने का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, दिस इज़ द म्यूज़िक हियर। आई एम नॉट श्योर आपको झरना दिख रहा होगा कि नहीं, मेरे सामने वो झरना रहा, वो उधर से बह रहा है और ये नीचे से होके ये वैली में ऐसे जा रहा है, ऐसे होके वो सीधा वहाँ निकल जाता है वैली में, और ये जाके तीस्ता में ही मिलता है। इसका भी एक अलग मज़ा है, जंगल के बीच में झरने के बगल में आप बैठ के एंजॉय कर रहे हो। मुझे जो फ्री टाइम मिलता है मैं तो ऐसे ही अपने घर के पास भी नदी किनारे कभी भी चले जाता हूँ, मैं बैठ के मैं सोचता हूँ बहुत कुछ लाइफ के बारे में, क्या करना है नहीं करना, ये वो, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या सही हो सकता था, लॉट ऑफ थिंग्स। आई थिंक मुझे सही लगता है, मतलब बहता हुआ पानी जो रहता है ना, मुझे वहाँ पर सोचने के लिए अच्छा लगता है, इट गिव्स मी गुड थॉट। आज ऐसा मौका मिला है कि मैं झरने के बगल में टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, एंड कल तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब था, आज थोड़ा बेटर लग रहा है,
and this experience is really soothing and I'm feeling good. It's nice. This is how life is. Trip uncertain hai. Bahut kuch मैं करना चाहता था, बहुत जगह मैं कवर करना चाहता था, नहीं कर पाया. बट आई एम लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड कि मुझे दार्जिलिंग फिर से आने का मौका मिलेगा. अब ये वाला नहीं है, ये वाला. तो अभी हम जा रहे हैं बॉनफायर के लिए. अच्छा, डिनर बन गया है क्या? डिनर मेरे लिए मत बनाइएगा. आप डिनर नहीं करेंगे? मेरे को फुल लग रहा है क्योंकि आज तो मैं लंच भी लेट से किया जी. अभी फिर थोड़ा मुझे मन नहीं कर रहा है. आप जितना ले सकते हैं उतना ले लीजिए. जितना लेट हो सकता है तो लेट कीजिएगा थोड़ा. जी सर, ठीक है. अभी तो बिल्कुल मन नहीं. आप थोड़ी देर बैठिए, मैं उनको भी बॉनफायर लगा के आ रहा हूं. हां हां, आपका नाम क्या है? दीपेन. दीपेन जी. तो अभी बॉनफायर चालू है. ए ए ए, गिर मत. इधर कहां जा रहे हो? दिस इज द बॉनफायर और पीछे वाटरफॉल है. आई गेस दिख रहा होगा. ये थोड़ा छोटा है नीचे वाले से. मैं आज जब आया था तो यहीं पे मैंने मुंह धोया था. सो दिस इज हाउ इट इज नाइस. तो मैं वही बोल रहा था पहले कि जैसा सोचा था ट्रिप वैसा तो नहीं हुआ, बट ठीक है. मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड था बहुत सारी चीज़ें. बहुत जगह जाना था जो नहीं जा पाया. बहुत कुछ करने का सोचा था, नहीं हुआ. बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, नहीं हुआ. बट ओके फाइन, हमेशा अपने हिसाब से हर चीज़ नहीं होता. एंड ओवरऑल एंजॉय किया मैं. अभी घर पे होता तो 42 डिग्रीज वहाँ पे गर्मी है वहाँ पे, ठीक है. तो मैं क्या ही करता, मतलब उससे तो अच्छा ही है एटलीस्ट बॉनफायर कर रहा हूँ. टॉय ट्रेन राइड किया, रोप वे राइड किया, जो गया, HMI गया, बहुत सारी जगह मैंने घूमा देखा, अच्छा लगा मुझे. जब ज़िंदगी आपके मज़े ले, आप ज़िंदगी के मज़े लें. That's how it should be.